हमारे यहाँ हार्वर्ड से MBA हुए हैं ऐसे भी संत हैं, और आदिवासी के झोपड़े में से आए हैं ऐसे भी संत हैं। दोनों एक सिस्टम में रहते हैं, दोनों एक प्रकार के कपड़े पहनते हैं, दोनों के लिए सुविधाएं एक जैसी हैं, और दोनों के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी एक जैसी है। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन, इसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। इसलिए ये संस्था इतनी बड़ी बढ़ गई। और एक अर्थ आपको पावर ऑफ कोलैबोरेशन का बताऊं। पहला अर्थ क्या बताया? संगठन भाव। और एक कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा उच्च अर्थ है, वो क्या है? एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, व्हेन नोबडी इन द टीम वांट्स द क्रेडिट ऑफ द वर्क, यू कांट इमेजिन टू विच लेवल दैट टीम कैन वर्क। आपने साथ में मिलकर काम किया और एक बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की, लेकिन टीम में कोई मेंबर क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी वजह से यह हुआ है। जब टीम में यह भावना आएगी, पूरे सह्याद्री परिवार में यह भावना आएगी, थोड़ी थोड़ी है और भी ज्यादा है, लेकिन सर्वोच्च भावना यह आएगी कि मैं एक टीम प्लेयर हूं, मैंने काम किया फिर भी क्रेडिट किसी और को मिले तो भी वो सह्याद्री परिवार का मेरा ही भाई है, मेरी बहन है। ऐसा भाव जब आपके अंतर में प्रकट होगा, ये कोलैबोरेशन बोलते हैं। ये कोलैबोरेशन की एक उच्च भावना मैंने आपको बताई। आई डोंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट, आई ओनली केयर फॉर सक्सेस ऑफ आवर टीम। समृद्धि मिली, सफलता मिली, क्रेडिट तो किसी को भी मिले उसमें आप खुश रहना। ये मत सोचना कि यार काम तो मैंने किया था, बॉस ने उसकी सिफारिश कर दी आगे। ये मत सोचना कि मैंने मजदूरी यहां की थी लेकिन प्रमोशन तो उसको मिल गया। ये थोड़ी एक कठिन बात है जो मैं बोल रहा हूं, वो सहज नहीं है, लेकिन वो भावना आपको कल्टीवेट तो करनी पड़ेगी, तो ही आप कोलैबोरेशन में काम कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग बनेंगे। कोई जानबूझ के नहीं करता है लेकिन बनेंगे, स्वाभाविक है कि कभी आपसे कोई जूनियर हो उसको भी प्रमोशन मिल गया, बन सकता है। कोलैबोरेशन की भावना उस वक्त होगी तो आप खुश रहेंगे। अगर खुश नहीं रह सके तो एटलीस्ट स्थिर तो रह पाएंगे कि चलो ठीक है, मेरे जूनियर को प्रमोशन मिल गया, ठीक है मेरा परिवार का ही सभ्य है। तो ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन है। Whoever gets the credit, I am happy. हमारी संस्था में BAPS में इस भावना से हम जीते हैं कि कोई जूनियर को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, सब उनको साथ सहकार देते हैं। कोई नया आया है लेकिन कोई अच्छे विचार से वो आगे बढ़ गया मैनेजमेंट में, तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं, उसके प्रति भी हम यही भाव से देखते हैं, काम करते हैं कि भगवान की इच्छा होगी कि आज उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप रो के बैठेंगे, रोते रोते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यूनाइट होना। तो मैंने आपको कोलैबोरेशन की दो डेफिनेशन बताई। पहली डेफिनेशन क्या है? साथ में आए, मिले जुले, साथ में काम किया और सफलता प्राप्त की। दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि किसी हमारे परिवारजन को आपसे कुछ ज्यादा मिल गया, आप सोचते हो कि मुझे मिलना चाहिए, उसको मिल गया, उस वक्त खुश रहना, स्थिर रहना और संगठन भाव बनाए रखना, वो कोलैबोरेशन है। वो डिफिकल्ट पार्ट है लेकिन वो बड़ा कोलैबोरेशन है, उसमें असली पावर जनरेट होता है। कभी बन सकता है कि पूरी जिंदगी तक आप काम करें तो भी आप नंबर टू पोजीशन पे अपने कार्यक्षेत्र में रहे, नंबर वन कभी ना बन पाए। सह्याद्री फार्म्स में इंटरनल छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स कहीं होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो उस डिपार्टमेंटल हेड के नीचे नंबर टू पोजीशन में शायद आपको 20-25 साल बिताने पड़े। बनता है ऑर्गेनाइजेशंस में, बनता है। उस वक्त अपने आप को स्थिर रखना, संगठन भाव का सोचना,
संस्था की सोच रखना ये बड़ा कोलैबोरेशन है. इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन. इसका एक और अर्थ में हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, उनके शब्द में आपके पास रखता हूं इनटू इन्वर्टेड कॉमास, उनको वर्ड टू वर्ड नहीं लेकिन लेटर टू लेटर कोट करता हूं. प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, जहर खा के भी एकता भाव रखना पड़ेगा. क्या कोलैबोरेशन की बात है, किस लेवल की कोलैबोरेशन. इफ यू हैव टू टेक पॉइजन जस्ट बिकॉज टू कीप यूनिटी एंड कोलैबोरेशन, यू विल हैव टू टेक पॉइजन. मतलब स्थूल भाव ने पॉइजन लेके मरना नहीं है, लेकिन अपमान सहन करना वो एक पॉइजन के बराबर होता है. अपना हक होता है कि अब मेरी बारी है नंबर वन अपने डिपार्टमेंट में बनने की, मेरा प्रमोशन जारी है और कोई आ गया बाहर से आया तो थोड़ा सहन कर सकते हैं, अंदर से पीछे से अगर कोई आ गया तो बड़ी तकलीफ होती है, वो जहर पीना होता है. इट्स लाइक पॉइजन. तो वो सहन करते हुए भी आप संगठन भाव से साथ में रहें तो बड़ा पावर जनरेट होता है. हम बीएपीएस में इस भाव से काम करते हैं.